मॉर्निंग गाइस, टुडे आई विल शोइंग यू कि भाई सुबह से लेके शाम तक रात तक क्या क्या चीज़ें पूरी होती हैं। एंड अभी मुझे निकलना है क्लास के लिए, 8 बजे से क्लास है। आज फिजियो की क्लास है, अपना 2 फिजियो के लेक्चर्स हैं एंड देन क्लिनिकल फिजियोलॉजी की क्लास है, उसके बाद एनाटॉमी का लेक्चर है एंड देन ब्रेक के बाद वी हैव द डीएच। लंबा दिन है एंड आफ्टर ऑल दिस कॉलेज वाला स्टफ, उसके बाद मैं अपना जो हमारा जो कॉलेज का एनुअल फेस्ट है एलेक्सर, उसकी भी प्रैक्टिस रात में होगी एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग डे, काफ़ी थका देने वाला होगा एंड यू, बट द रियल थिंग कि मज़ा आता है। अभी तो मैं सबसे पहले ये आलस छोड़ के मैं उठ रहा हूँ अच्छे से एंड आई बी गेटिंग रेडी एज सून एज पॉसिबल। ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट के बाद फटाफट बैग पैक करके बस निकल जाना है क्योंकि आई नीड टू बी देयर एट 8। पूरा हॉस्टल सो रहा है यार, कितने आलसी लोग हैं, है ना गाइस। सेवन पता नहीं क्यों धीरे धीरे लेट होता जा रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट जाके रेडी होना है। सो गाइस आई एम रेडी। तो जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यार बॉयज़ हॉस्टल इज़ नॉट अ प्लेस, इट्स एन इमोशन, राइट। कहने का मतलब इतना है कि जब तक आप अपने दोस्तों के साथ या बॉयज़ हॉस्टल में कुछ हरकतें ना करो, उनको परेशान ना करो, तब तक यू आर नॉट लिविंग इन अ बॉयज़ हॉस्टल। जो आपके दोस्त हैं दे शुड स्ट्रिक्टली फील योर प्रेजेंस, पता लगना चाहिए भाई अपने बीच में एक राक्षस रह रहा है, ठीक है, तो बच के रहना है। सो नाउ अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन बॉयज हॉस्टल, लेट्स गो। टाइप 1, दिस इज टाइप 1 काइंड ऑफ पीपल, राइट। क्या पता है भाई लोअर में रिवाइज कर रहा है, कितना भी होता है 6 बजे। अब बात होती है टाइप 2 पीपल की, देख रहे हैं आप, लगता नहीं है आदमी सो रहा है या मुर्दा सो रहा है, ठीक है। तो भाई ओ भाई भाई क्लास नहीं जाना भाई, 8 बजे की क्लास है, क्या सो रहे हो, ऐसे बनेंगे डॉक्टर हम, हैं ऐसे करेंगे हम, उठ जा भाई, जल्दी उठ जा, दोबारा आऊंगा उठाने। MBBS is a little bit of time constraint. It's quite hectic. पढ़ने का content काफी ज़्यादा and time weight is quite less. So you need to study both laboriously and wisely. So मेरा बंदा थोड़ा simple रहता है कि जब भी free time मिला, जैसे अभी थोड़ा बीच में I got some free time about 40 minutes. So या तो मैं पढ़ूँगा, पढ़ने का मन करे तो, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो मैं सोचता हूँ. As simple as that. अब हर बार book से पढ़ना is quite boring, I know. And by this problem was solved by a platform which you all must be very much aware of, PrepLadder. PrepLadder is an amazing app for MBBS students. The video lectures are beyond amazing and all are based on next pattern. It has different sections under videos like rapid revision lectures, snapshot lectures, integrated lectures and also clinical case demonstrations. The strike rate for NEET PG is also very much great. The question bank is really extensive, which include high yield question with some incredible features like treasures attached, explanation attached, tags and active guidance. Coming to the handwritten notes, the PG notes version 4 is an incredible attempt to take a medical PG preparation to the next level of excellence, which include various features like PYQs, important boxes, how to remember boxes, timelines of the videos and flashcards too. Whole content of PrepLadder app is free for the first 24 hours for every new user. So if you are entering MBBS, PrepLadder will be your best companion.
8 बजे की क्लास में व्हेन यू स्टिल वोक अप एट 6:30, फिर भी आप लेट होते हो। फिजियो की क्लास है, अभी क्या पढ़ाएंगे सर आज? हायर फंक्शन ना, सीएनएस तो चल ही रहा है, सीएनएस में हायर फंक्शन ना, अभी ये नहीं होता सर। तो अभी फिजियो की क्लास है सर, आते ही होंगे। पढ़ रहा है? पढ़ ये पढ़ रहा है तू? आफ्टर अटेंडिंग टू लेक्चर्स ऑफ फिजियोलॉजी, इसके बाद क्लास थी हमारी क्लिनिकल फिजियोलॉजी की। तो जब भी कोई भी क्लिनिकल क्लास होती है या एक्सपेरिमेंट क्लास होती है तो हमें अपनी मेन एलएलटी कॉम्प्लेक्स से अपनी जो आईएमएस की मेन बिल्डिंग है वहां तक हमें जाना पड़ता है। सो गाइस एक है, क्या है अभी रुक जाओ। तो गाइस अभी हमारा चल रहा है ब्रेक, अभी हमने डिसाइड किया कि हॉस्टल नहीं जाएंगे, कहाँ खाएंगे? कैंटीन। क्या खाएंगे? मैगी। मैगी खत्म हो गया भाई, कैंटीन तो दिखा भाई। गाइज आफ्टर हैविंग अ वेरी हैवी ब्रंच वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द आइसक्रीम सेंटर, क्योंकि देखो भैया कॉलेज लाइफ का बहुत सिंपल फंडा है, जब तक आप घर में रह रहे हो तब तक देर आर 100 रेस्ट्रिक्शन, जब एक बार घर से बाहर आ जाए तो आप दिन में तीन तीन चार चार बार भी बाहर से जाके खाओ आपको कमी लगेगा। क्यों मुनीश? क्यों मुनीश? मुनीश बोल रहे हैं ये दोनों, ये और ये छावड़ा। मैं शरीफ हूँ भाई, मेरे को बीच में तीन तीन बार ऑर्डर करता है, ऑर्डर करता है दोपहर को, ऑर्डर करता है शाम को, ऑर्डर करता है। इसलिए सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्टेड है कि आप आईएमएस हम आपको अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ले जाएंगे, अलग अलग खाने ले जाएंगे, और पैसे की टेंशन नहीं लेनी यार, पैसा बंदे का अच्छा ट्रीट भी मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रीट मिलेगा। बाइक चाहिए भैया ले रहे हैं, काफी इंजॉयमेंट होगा, बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा सीनियर्स के साथ, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपको। जो पीछे आप देख रहे हैं ये है मैटरनिटी वार्ड, ये है सामने सर सुंदरलाल हॉस्पिटल का सर्जरी वार्ड, एंड दिस राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। DH में आई इशूड वन स्कल एंड ट्राइड टू लर्न अबाउट द क्रेनियल फोसास। So after attending all the classes and lectures, I was finally heading towards the practice for elixir. Hello guys, how's this side? देखिए आपका content creator क्या ही content create कर रहा है। Please see, I'm not a very much great dancer, although trying a lot. So these are a few glimpses from a dance, and धीरे धीरे आगे और पता चल रहा होगा। So yes, stay tuned. So guys, finally I'm back from the college, and पूरा दिन बहुत ही tiring कह सकते हैं, but yes, बहुत as usual बहुत चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी नई नई चीज़ें पढ़ी, and प्रैक्टिस में बहुत मज़ा आया। विच आई रियली वॉन्ट टू टेल यू स्पेसिफिकली कि हमारा जो एलेक्जर इवेंट है, अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस करना, वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे और डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि हम लोगों को एज बींग एज पार्टिसिपेटिंग इन एलेक्जर जो हमारे 2019 के सीनियर्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, बहुत बड़ा फेस्ट है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आराम आराम से रिवील करूँगा, अभी जाके मज़ा आएगा, क्योंकि लिटरली अभी वी आर रियली इन्जॉइंग एट द मोस्ट ऑफ आर स्पिरिट्स एंड बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी फटाफट से ले चलता हूँ अपने रूम में, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट बॉयज़ हॉस्टल विच यू रियली शुड नो बिफोर एंटरिंग हॉस्टल लाइफ। बरसोरे मेघा ओए होए होए होए, बरसोरे मेघा 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 चल रहा है, बहुत झमाझम बारिश हो रही है। प्लान था आज क्रिकेट खेलने का, उसको भी व्लॉग में लेने का, बारिश ने हमारे प्लान पे अच्छे से पानी फेरा है। सो गाइस जिस इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए मैं आपको बताना चाह रहा था, सो वो इम्पोर्टेंट मैसेज कुछ ऐसा है कि यार ये जो बॉरिस हॉस्टल नाम की जगह होती है ना, ये जगह नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया इट्स एन इमोशन। तो यहाँ पे यार वी केयर फॉर ईच अदर, जैसे प्यार होती है मोहब्बत होता है, वी केयर फॉर ईच अदर, मतलब खुद खाना नहीं खाएंगे पहले दूसरे वाले को खिलाएंगे, प्यारे प्यारे खट्टे मीठे किस्से होते हैं हमारे रॉयल हॉस्टल के, शेयरिंग इज केयरिंग।
अबे बिस्किट तो मिला नहीं, छोड़ो जान दो, दो मिले काफी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि और रूम्स में क्या हो रहा होगा, और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, MBBS में हॉस्टल के किसी भी रूम में घुसने से पहले यू शुड नॉक 10 एंटर। तो गाइस ये सब जो भी आपने देखा, हॉस्टल की मस्ती, कॉलेज लाइफ, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये सब तो एक अच्छी बात है, दिस इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। बस ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, आपको अपना बहुत टाइम फोकस सब कुछ देना पड़ेगा, नीट क्रैक करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। सो वी ऑल विश कि आप अच्छे से पढ़ो, हार्ड वर्क करो, एंड इसी साल मेजोरिटी ऑफ यू आप लोग IMS आओ, हम सबसे मिलो, ठीक है? हाँ क्या? हाँ भाई, अपने भी टर्मिनल पेपर आ रहे हैं, पढ़ना वढ़ना है या नहीं? चलो चलो चलो, रात भर पढ़ेंगे, ठीक है? इसी के साथ सावधान रहें, सतर्क रहें, और देर देर।